हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा पंचाल रसोई। आज फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सूजी और कोकोनट के पैनकेक। पैनकेक्स बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक बाउल सेमोलिना या सूजी ली है और इसमें ऐड करेंगे हाफ बाउल जितनी शुगर या शक्कर और इसके साथ ही एक बाउल हम इसमें ले लेंगे दूध। फुल क्रीम मिल्क लेंगे और थोड़ा गुनगुना दूध लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अब ये जो इंस्टेंट पैनकेक्स हैं वो हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसे कवर करेंगे और कम से कम 30 मिनट्स रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब आधे घंटे के बाद इसमें थोड़ा सा हम गुड़ ऐड करेंगे। एक बार इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे एक टेबलस्पून जितना गुड़, जो बहुत अच्छा कलर भी देगा और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसके बाद हाफ बॉल जितना डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अभी आप देख सकते हैं बैटर की हम मीडियम कंसिस्टेंसी रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। इस तरह का घोल तैयार कर लेंगे और अभी एक पैन ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी ले लेंगे। इसको हमें शैलो फ्राई करना है तो बहुत कम घी चाहिएगा। इसमें घी को थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे और एक बड़ा स्पून ले लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे पैनकेक्स तैयार करेंगे। एक साथ आप 3 से 4 पैनकेक्स बना सकते हैं। अभी बिल्कुल धीमी आंच पे हमें इसे कुक करना है। कवर करेंगे और कम से कम 3 मिनट कुक होने देंगे। 3 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेते हैं हम। अब एक साइड से कुक हो गए तो इसे पलट लेंगे। अभी थोड़ा सा घी और इसमें ऐड करेंगे, बहुत कम घी में फ्रेंड्स ये नाश्ता हमारा बनके तैयार हो जाता है और बच्चों को तो विशेषकर ये बहुत ही पसंद आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी और ये क्रिस्पी भी बनेगा और टेस्टी भी। अब ये देखिए दोनों तरफ से हम इसको बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट पैनकेक्स हमारे बनके तैयार हैं। इन्हें एक प्लेट में ले लेंगे। और थोड़ा सा इसी ड्राई फ्रूट से हम गार्निश करेंगे। तो बादाम एंड काजू लिए हैं मैंने और इसके ऊपर हम थोड़ा सा शहद डाल देंगे। तो फ्रेंड्स सूजी और कोकोनट की पैनकेक्स हमारे बनके तैयार हैं। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।